और ये मैंने चलते वक्त के जो शॉट्स लिए थे, ये कुछ शॉट्स हैं कि किस तरीके का व्यू था, कितना साफ़ सुथरा है। मैं यही बता रहा था कि अब लगभग जैसे जैसे इंडिया चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ चीज़ें भी मॉडर्नाइज होती जा रही हैं, सिस्टमेटिक होती जा रही हैं। और आपको दिख रहा होगा कितना साफ़ सुथरा है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। तो यही चीज़ मैं इसमें दिखा रहा था, लास्ट में हर चीज़ का एक व्यू चारों तरफ घुमा के। होप आपको अच्छा लग रहा होगा। इस बंदे ने जो काम किया हुआ था ना नक्काशी का, वो वाकई में लाजवाब था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। और वैसे भी अब चलने का टाइम हो ही गया था, तो मैं आगे बढ़ ही रहा था। निकलने के लिए हम रेडी थे तो सोचा कि एक बार और ज़रा दिखा देता हूँ। ये ओहो, ये रहा वो झूला जो चलने लगा फाइनली। और यहाँ पे ये कुछ स्टॉल्स जो लगी हुई थी यहाँ पे, और ये सैनी पान भंडार। यहाँ से हम लोग जहाँ से आए थे वहीं से निकलते हैं। मतलब कुल मिला के काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो में काफ़ी अच्छा व्यूज़ मेले का दिखा होगा, और आप लोगों का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। और यह हरियाणा उत्सव मेला काफ़ी बढ़िया मेला था। और चलो फिर फाइनली चलते हैं एक लास्ट लुक मेले का, देख लीजिए। हाय, तो होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अच्छा मेला है, बहुत बढ़िया। और शायद मैं एक नया इंडिया जो अब उभर रहा है, साफ़ सुथरा, छोटा है चीज़ें पर नई सिरे से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसको दिखाने में शायद मैं कामयाब रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक खुश रहिए और साथ साथ रहिए। राम राम। ओके गाइस, कुछ एडिशनल पिक्स जो उस टाइम मैंने खींची थी, आइए चलिए देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।